लाभ का समय चल रहा है। आपको बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। जो भी आप कार्य करेंगे उस वो कार्य संपन्न होगा। आपकी क्षमता में वृद्धि होगी, जो आपकी कार्य क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। जो कार्य करेंगे उसमें आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप अपने मनः स्थिति को बैलेंस रखिए, क्योंकि बैलेंस रखना आपके लिए बहुत अच्छी है। इक्विलिब्रियम बनाए रखिए, बहुत अच्छा रहेगा। और आय के स्रोत में भी वृद्धि होगी। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपके मन में चिंता की स्थिति हो सकती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। दूर देश की यात्रा होगी। पुराने मित्रों के मिलने से आपका मन काफ़ी प्रफुल्लित रहेगा। आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा और आपकी माली हालत अच्छी होगी। अभी आपने देखा कि हम बात कर रहे थे राहु शुक्र, तो राहु शुक्र बुध इस समय लग्न में है। तो राहु शुक्र, जब शुक्र दैत्य गुरु है, साथ में राहु है, तो कहते हैं कि राहु जिसके घर में होता है उसकी पावर को इनहेरेंट करता है, रिप्ले करता है। तो लग्न मतलब होता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में चतुर्दिक विकास करता है। जो आप योजनाएँ बनाते हैं, जो सोचते हैं, उसको कार्य रूप में परिणत कर, आप में अद्भुत क्षमता आती है। किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में अपने को समायोजित कर लेना, प्रतिकूल परिस्थितियों में सर्वाइव करके अपना हौसला बुलंद रखना और अपने लक्ष्य को हुक बाय क्रुक प्राप्त करना, ये आपका लक्ष्य बन जाता है, ये राहु शुक्र आपको दिलाता है। तो इसमें जरूरत अपनी ऊर्जा का सही दिशा में लगाने की। जो आप प्रयास करेंगे उसमें आपको बड़े पैमाने पर सफलता मिलेगी। आपको सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी ये बरतनी है कि अपनी बाणी पर नियंत्रण रखना है। इमोशनल होकर के कोई निर्णय ना लें। इमोशनल होने से आपकी चीज़ें दिक्कत हो सकती है। और आज आपके लिए उपाय क्या करना है? उपाय ये करना है आपको कि आज आप क्या करें कि हरा वस्त्र दान करिए और गौशाला में जाके गाय को हरा चारा खिलाएं। और शुभ अंक आपका 8 है, शुभ रंग स्काई ब्लू है और आपका लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण।